गाइस आई एम अभिषेक कनौजिया। सो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था ऑर्डर लिस्ट। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम उसके लिए हमें यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम यूएल से डिनोट करते हैं, क्लोज यूएल टैग। एंड इसके अंदर हम लिस्ट टाइप करेंगे जैसे कि पहले हमने किया था। सो लिस्ट क्लोज लिस्ट टैग, सिमिलर यहाँ पे भी हम ब्राउन येलो ग्रीन ब्लू एंड वाइट। ओके, अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह हमें मिलता है इसका आउटपुट। सो ये सिंपल डॉटेड है। ओके, हमें यहाँ पे डॉट के रूप में मिल रही है। अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी नंबर कोई भी सीरीज टाइप से नहीं रहता है। कोई भी लिस्ट विद नंबर्स कोटो या कॉलम किसी भी तरह सर्कल या स्क्वायर के रूप में हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस डॉट को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे टाइप कीवर्ड का यूज़ करके टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे आप सर्कल का यूज़ कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में सर्कल एंड सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सर्कल मिलेंगे हमें। ओके, यहाँ पे आप स्क्वायर का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। स्क्वायर एंड सेव एंड रन। सो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ स्क्वायर रूप में मिल रही है। एक चीज़ और मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, बुलेट। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे बुलेट्स, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट है ये बुलेट्स है। ओके, अगर आप इनको नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे नन टाइप करके भी विदाउट एनी डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई भी सर्कल स्क्वायर कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये एकदम ब्लैंक है। तो आप पिछले वाले अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों में आप नन टाइप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप अनऑर्डर लिस्ट भी समझ सकते हैं। आगे के ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगा कैसे आप इन लिस्ट को फ्लोट करा सकते हैं, यानी कि एक ही लाइन में, और कैसे आप इनको आगे यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। बाय।